तो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जो कि मुझे फाइनली आज यहाँ पे मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है मेरे एक्सिस बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड जो मैं अप्लाई किया था, वो मुझे आज मिल चुका है। तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड को जो अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा और इसको एक्टिव कैसे करते हैं यूज करने के लिए, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। साथ ही साथ इसका पिन कैसे सेट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, वो भी करके बताऊंगा। लिमिट सेट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। और अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बाद मुझे मिला है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इस चैनल पर आपको जो है बैंकिंग फाइनेंस के रिलेटेड डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये है मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो कि मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें प्लोथिंग को मैंने पहले ही फाड़ दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे भी मैंने इसको अनबॉक्सिंग पहले ही करके रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसमें बताऊँगा आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, NEO, जो कि यहाँ पे मेरा प्राइमरी जो कार्ड का नंबर है यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जो क्रेडिट लिमिट आपको जितना भी मिला होगा यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंटरनेशनल लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैश विड्रॉल लिमिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी भी दे सकते हैं और एनुअल फी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे सभी को यहाँ पे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड लूँ तो क्या उसमें एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी भी लगता है। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें ज्वाइनिंग फी और ना ही एनुअल फी लगता है, यानी बिल्कुल ही ये क्रेडिट कार्ड जो है फ्री है। बिना आप एनुअल फी और यहाँ पे बिना आप ज्वाइनिंग फी दिए हुए इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको पेज को यहाँ पे पलट देता हूँ, उसमें देखिए क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अप टू 20% ऑफ ए पार्टनर रेस्टोरेंट, तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का पार्टनर रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है एग्जिस्टिंग ऑफर योर फेवरेट ब्रांड्स एवरी वेटनसडे पे, इसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें आपको पिन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस मोबाइल ऐप को यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लॉगिन करके सर्विस सपोर्ट में जा करके क्रेडिट कार्ड में पिन जाके यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इंटरनेट बैंकिंग में आप जाकर कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अगर ये दोनों आप सुविधा नहीं ले सकते इसमें आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो ATM कार्ड रहता है ATM मशीन वहाँ पे भी आप जाकर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चाहे तो आप कस्टमर केयर से यानी टोल फ्री नंबर पे भी बात करके भी कर सकते हैं। तो ये सब था यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो है एक्टिवेशन करके यहाँ पे पिन सेट करने की, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बेनिफिट इसमें क्या क्या मिलता है, तो मैं पहले इसको यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, मैं इसको अलग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है, देख सकते हैं ये मेरे क्रेडिट कार्ड है NEO, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक की तरफ से यहाँ पे आया है। और इसका पीछे यहाँ पे आपको CCV नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है मेरा क्रेडिट कार्ड, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते तो आपको भी यहाँ पे इसी तरह से अपने लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, जो कि मैं इसको 2 तारीख को अप्लाई किया था और मेरा यहाँ पे जो है आज 6 तारीख है, जो कि देख सकते हैं 4 दिन में ही मुझे यहाँ पे जो है इसको डिलीवरी मिल चुका है, ठीक है। यानी ब्लू डार्ट से यहाँ पे डिलीवरी मिलता है, बहुत ही फास्ट है, यानी ब्लू डार्ट की तरफ से यहाँ पे बहुत ही जल्दी फास्ट यहाँ पे आपको डिलीवरी मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ कोई भी आपको यहाँ पे किट मिलता है तो यहाँ पे इसी के द्वारा मिलता है। तो इसको मैं पहले तो साइड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 100% कैशबैक अप टू 300 यूटिलिटी बिल पेमेंट विथ इन द फर्स्ट 30 डे, यानी आप जो है 30 दिन के अंदर कोई भी आप यहाँ पे जो है यूटिलिटी बिल पेमेंट करते तो इसमें आपको यहाँ पे 100% का कैशबैक आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वो भी आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 40% ऑफ ऑन जोमेटो भी आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें 5% ऑफ यहाँ पे यूटिलिटी बिजली बिल विया अमेजन पे से अगर यहाँ पे कोई भी बिजली बिल पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको यहाँ पे 5% का यहाँ पे ऑफ मिलता है। साथ ही साथ इसमें 10% ऑफ ऑन ब्लिंकिट पे भी ऑफर यहाँ पे प्रदान किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं 10% ऑफ एवरी मूवीज टिकट परचेस फ्रॉम द बुक माई शो, तो आप यहाँ पे जो है बुक माई शो की तरफ से अगर आप यहाँ पे मूवी टिकट बुक करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे 10% का ऑफ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं एक्स्ट्रा INR 150 ऑफ ऑफ मंत्रा, यानी आप मंत्रा से यहाँ पे जो कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे 150 रुपये का यहाँ पे छूट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एडेज रिवॉर्ड पॉइंट पर एस 200 स्पेंड, अगर यहाँ पे 200 का स्पेंड करते हो इसमें आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। तो आपके पास जो भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिला तो उसको यहाँ पे आपको 30 डेज के अंदर आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट योर कार्ड विथ इन 30 डेज ऑफ द कार्ड इशू ऑफ द अवॉइड कार्ड क्लोजर्स, तो आपको यहाँ पे जो है 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पे कार्ड को जो है एक्टिवेट कर लेना है। तो एक्टिवेट करने के लिए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अनबॉक्सिंग हो चुका है।
इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन ले लेना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में आपको यहाँ पे एक्सिस मोबाइल ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अगर आपने इसमें डाउनलोड करके रखा है तो और बढ़िया वाली बात है, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल भी करके यहाँ पे जो है सारा कुछ वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ पहले भी एक्सिस बैंक में अकाउंट था जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया हो तो यहाँ पे फिंगर से अनब्लॉक कर लेंगे, ठीक है, अनलॉक कर लेंगे, या तो एम पिन से आप अनलॉक कर लेंगे। तो अनलॉक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, और दूसरा जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया न्यू मास्टर कार्ड का यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी वेरीफाई हो चुका है जो कि मुझे आज ही डिलीवरी मिला है। तो डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर लेना, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद ही मिलेगा, पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लेट्स सेटअप योर कार्ड, तो आपको यहाँ पे कार्ड को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नाउ सेट डेली लिमिट ऑन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन कोड यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, यानी अभी जो क्रेडिट कार्ड आ रहा है उसमें एक्टिवेशन कोड यहाँ पे मांगा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैं सेट नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डोमेस्टिक यूज़ में आप यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप लिमिट भी यहाँ पे सेट कर लेंगे, आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कितना लिमिट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल लिमिट रखना चाहता हूँ तो मैं इसको फुल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट कम बेसी करना तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। डेली लिमिट भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे डेली लिमिट भी आप यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। इस बार नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको टैप टू पे, टैप एंड पे का ऑप्शन आता है, अगर आप इसको भी ऑन करना चाहते हैं ये भी करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जितना भी लिमिट कम बेसी करना है, जितना भी सेट करना वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ATM विड्रॉल्स का ऑप्शन है, अगर आप इसको भी इनेबल करना चाहते हो तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मर्चेंट इन स्टोर का भी ऑप्शन है, इसको भी ऑन करना चाहते हो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेली लिमिट आप जितना भी सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ सेट कर लेने के बाद जितना भी यहाँ पे है सारा कुछ यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ में सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है इंटरनेशनल यूज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहीं बाहर जाते हैं तो आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहीं बाहर वगैरह नहीं जाते हैं तो इसको आप ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और आपका यहाँ पे जो यूज़ जो है डोमेस्टिक में है और यहाँ पे आपका कार्ड कहीं बाय मिस्टेक कहीं खो जाता है तो आपको यहाँ पे भारी जो है नुकसान करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई ये दूसरा यूज़ कर लेता है इंटरनेशनल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो इसको ऑन करेंगे, नहीं जाते तो इसका कोई मतलब नहीं है ऑफ ऑन करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे नेक्स्ट कर देता हूँ, आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करेंगे, नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो है न्यू पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे बोलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है सेट न्यू पिन, तो आपको यहाँ पे इसके लिए आपको सेंड ओटीपी टू सेट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस लेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को डाल के आपको यहाँ पे पिन को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको पिन सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एम पिन डाल लेंगे, आपने आप जो भी आपके एप्लीकेशन का एम पिन होगा वो डाल लेंगे। एम पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते कुछ सर्वर की वजह से मेरा यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो एम पिन डाल के जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड भी शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है।